बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले एक बार आप सभी कमेंट करके बताइए आवाज़ आपको मिल पा रही है और वीडियो आपके सही से चल पा रही है। देखिए, इसके पहले अभी हम लोग कोर्स वन पढ़ रहे थे और कोर्स वन के अंदर हम लोग दो यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। यूनिट वन और यूनिट टू कम्प्लीट हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग नए कोर्स में इन करने वाले हैं। अभी भी कोर्स वन के अंदर आपके 3 यूनिट बाकी है, क्योंकि कोर्स वन के अंदर आपको 5 यूनिट पढ़ना है। ठीक है, उसमें से अभी 2 यूनिट हम लोग कम्प्लीट किए हैं, अभी भी 3 यूनिट आपको पढ़ना बाकी है, यानी कि कोर्स आपका वन के अंदर। लेकिन कोर्स वन को थोड़ा सा हम यहाँ पे रेस्ट देंगे, बाकी भी कोर्सेस को देखना है हमें, क्योंकि कोर्स 6 तक आपको पढ़ाना है, तो बाकी कोर्सेस भी आपको पढ़ाना है, तो इसलिए हम बाकी कोर्सेस को भी आप टारगेट करेंगे। जो बाकी कोर्सेस है उसमें आपका कोर्स सेकेंड, जिसको हम लोग कंटेम्प्रोरी इंडिया एंड एजुकेशन के नाम से जानते हैं, समकालीन भारत और शिक्षा के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सभी आइए पहले, और जितने जल्दी हो सके आप सभी जुड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि थोड़ा सा पहले इसके सिलेबस के ऊपर चर्चा करेंगे, फिर इसके टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। थोड़ा सा हम लोग सिलेबस के ऊपर आते हैं। हम आपको बता दें कि आपको हम 6 कोर्सेस पढ़ाने वाले हैं। 6 कोर्सेस के अंदर आपने पहला कोर्सेस देखा था, पहला कोर्सेस हम आपको पढ़ा रहे थे, और पहले कोर्सेस के अंदर हमने आपको बाल व्यवस्था पढ़ा दिया, फर्स्ट यूनिट। सेकेंड यूनिट जो आपका था किशोरावस्था, ये भी हमने आपको पढ़ा दिया। इसके अलावा आपके कोर्स वन के अंदर ही 3रा यूनिट आपका बाकी रह गया, यानी कि समाजीकरण, यह आपका बाकी है। तीसरे यूनिट की बात करें, क्योंकि आपको कोर्स वन के अंदर टोटल आपको 5 यूनिट पढ़ने हैं, तो 5 यूनिट में से केवल और केवल आपने 2 ही यूनिट अभी पढ़ा है। फिर इसमें अधता की व्यक्तिगत की बात है, फिर लास्ट में आपका जो पहचान निर्माण है, ये सभी आपका बाकी है। इसको हम बैक में आएंगे तो फिर से हम इसको रिविजन करेंगे, फिर से कराएंगे। अब हम चलते हैं सेकेंड कोर्स के ऊपर, समकालीन भारत और शिक्षा के बारे में, जिसको हम बोलते हैं कंटेम्प्रोरी इंडिया एजुकेशन। ये आपका एक कोर्सेस है, ठीक है, 6 कोर्स आपको पढ़ाना है। तो अभी दो दो यूनिट हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से कोर्सेज को कंटिन्यू करते हैं, और फिर बाद में हम लोग बैक आएंगे तो बाकी कोर्सेज को भी हम लोग कम्प्लीट करेंगे, बाकी यूनिट को भी कम्प्लीट करेंगे, क्योंकि सभी कोर्स के बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। तो हम बात करने वाले हैं समकालीन भारत और शिक्षा के बारे में, यानी कि कंटेम्प्रोरी इंडिया एजुकेशन के बारे में, जिसको हम लोग कोर्स 2 के नाम से जानते हैं। कोर्स 2 का नाम क्या है? कंटेम्प्रोरी इंडिया एजुकेशन, इसको समकालीन भारतीय और शिक्षा के नाम से जानते हैं। अब इसमें भी आपको 5 यूनिट पढ़ने हैं, जैसे कोर्स 1 के अंदर आपको 5 यूनिट पढ़ने हैं, वैसे ही आपको कोर्स 2 के अंदर भी आपको 5 यूनिट पढ़ने हैं। इस 5 यूनिट में हम लोग पहला यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, और पहले यूनिट के अंदर आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है शिक्षा की अवधारणा एवं बृहद और उसके उद्देश्यों की समझ। आपको पढ़ना क्या है? शिक्षा की अवधारणा। पहले यूनिट का नाम क्या है? तो शिक्षा की अवधारणा एवं बृहद उद्देश्यों की समझ, ये आपका पहला यूनिट है। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो देखने वाले हैं, इसमें पहला जो आपका यहाँ पे टॉपिक होगा, जैसे कि यहाँ पे पढ़ना है अवधारणा के बारे में, यानी कि शिक्षा की अवधारणा क्या है, शिक्षा के अर्थ क्या है, शिक्षा की परिभाषा क्या है, शिक्षा की प्रक्रिया क्या है, स्कूल की पढ़ाई, अनुदेशन, प्रशिक्षण और शिक्षा देना, ये सभी क्या है, इन सभी टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं। यानी कि शिक्षा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे पूरी डिटेल्स में, कि शिक्षा का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, शिक्षा की प्रक्रिया क्या है, स्कूल की पढ़ाई में अनुदेशन क्या है, प्रशिक्षण क्या है, इन सभी को हम लोग पढ़ने वाले हैं इस यूनिट के अंदर। फिर इसके बाद अगला टॉपिक इसमें ही होगा कि शिक्षा के रूप, जैसे कि औपचारिक शिक्षा क्या होता है, जिसको हम लोग औपचारिक क्या बोलते हैं, फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं, तो फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है इसको पढ़ेंगे, अनौपचारिक होता है इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होता है इसको भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो औपचारिक होता है, अनौपचारिक होता है, निरौपचारिक होता है, इन सब शिक्षा को पढ़ेंगे, यानी कि शिक्षा के रूप, यानी कि शिक्षा के माध्यम को हम लोग देखेंगे, कि जो शिक्षा के माध्यम है, जैसे कि औपचारिक हो गया, अनौपचारिक हो गया, निरौपचारिक हो गया, इन सभी को पढ़ेंगे। फिर शिक्षा के उद्देश्य क्या है, शिक्षा के उद्देश्य को समझेंगे, फिर इसके प्रकार को समझेंगे, इसके शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, व्यक्तिगत संबंध में शिक्षा के उद्देश्य क्या है, व्यक्तिगत संबंध में शिक्षा के उद्देश्य, समाज और राष्ट्र में शिक्षा के उद्देश्य क्या है,
वैयक्तिक और सामाजिक उद्देश्य क्या है, ठीक है, इन सभी को हम लोग करेंगे और यहाँ से आपका यूनिट जो है वन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि यूनिट वन के अंदर आपको कम ही टॉपिक पढ़ने हैं। यूनिट वन के अंदर बहुत ज़्यादा टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यूनिट वन के अंदर हम लोग को इतनी ही मतलब टॉपिक पढ़ना है, फिर यूनिट टू के अंदर जाएंगे तो हम लोग को बहुत सारे यहाँ पे और टॉपिक जो है पढ़ना है। तो पहले हम लोग यूनिट वन के ऊपर रहेंगे यहाँ पे और यूनिट वन को हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ पे कंप्लीट करें, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपके यह टॉपिक जो है बहुत जल्द आपकी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि यूनिट टू के अंदर आपकी बहुत ज़्यादा क्लासेस लगने वाली नहीं, क्योंकि इसमें टॉपिक जो है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। फिर भी क्लासेस आपकी चलेगी इसके अंदर। तो यहाँ पे जो यूनिट है इसको हम लोग शुरू करेंगे, पहला जो है शिक्षा की अवधारणा और वृहद उद्देश्यों की समझ। इसमें आज हम लोग जो देखने वाले हैं वह देखने वाले हैं शिक्षा के बारे में, शिक्षा का अर्थ, उसकी परिभाषा, ये सब चीज़ों को हम लोग, शिक्षा की प्रक्रिया, इन सभी चीज़ों को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए टॉपिक के ऊपर चलते हैं हम लोग, और जो इसके उद्देश्य हैं इन सभी चीज़ों को हम लोग आज देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है, चलते हैं। तो सभी लोग आ ही गए हैं ना लगभग, चलिए देखिए जितनी जल्दी आप लोग जुड़ेंगे उतनी ही जल्दी क्लासेस आपकी स्टार्ट होगी। तो हम आपसे बार बार कहते हैं कि समय पे आप लोग जुड़ने का प्रयास करें। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे शिक्षा की अवधारणा तथा लक्ष्य की समझ, जो आपकी फर्स्ट यूनिट है इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहले हम लोग शिक्षा के बारे में समझेंगे कि भाई शिक्षा है क्या। अगर हम आपसे पूछे कि शिक्षा है क्या, तो आपका क्या जवाब होगा बताइए आप लोग। अगर हम आपसे पूछे कि शिक्षा क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा। तो हम शिक्षा के बारे में अगर बात करेंगे तो शिक्षा को देखिए, जो अलग अलग जो विद्वान है उन्होंने अलग अलग इसका डेफिनेशन भी दिया है। शिक्षा की जो परिभाषा है वह समय के साथ क्या होती है, बदलती रहती है। देखिए शिक्षा की परिभाषा जो है, अब ऐसा नहीं कि जो डिफिनेशन है वही हमेशा के लिए रहे। तो आप देखेंगे कि अलग अलग जो विद्वान हैं उन्होंने शिक्षा को अलग अलग प्रकार से डिफाइन किया है। अगर किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपसे पूछे, अगर हम आपसे ही शिक्षा के बारे में पूछे, तो शिक्षा के बारे में आपका कुछ ओपिनियन अलग होगा, आपका ओपिनियन अलग होगा कि नहीं होगा। हम आपकी स्टूडेंट सब में से किसी और का ओपिनियन पूछेंगे तो उसका कुछ और होगा, किसी और से पूछेंगे तो उसका कुछ अलग कहना होगा। तो जो शिक्षा है उसमें जो अनेक विद्वान हैं उन्होंने शिक्षा की जो डिफिनेशन दिया है वो अलग अलग प्रकार से दिया है। कुछ लोग शिक्षा के बारे में कुछ अलग तरीके से बात करते हैं, कुछ लोग कुछ अलग तरीके से बात करते हैं। इसलिए अनेक विद्वानों ने क्या किया है, शिक्षा की परिभाषा जो है अलग अलग प्रकार से दिया है। और समय के साथ क्या होती है, शिक्षा की परिभाषा भी क्या होती है, बदलती रहती है। जैसे हम बात करें पुराने समय में वैदिक काल से शिक्षा क्या था, सर्वांगिक विकास का एक अंग था। सर्वांगिक मतलब क्या होता है, वैदिक काल में अगर देखेंगे तो शिक्षा का मतलब क्या था, बच्चे का सर्वांगीण विकास। सर्वांगिक मतलब क्या होता है कि सभी पक्षों का विकास, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, ठीक है, मानसिक हो, यानी कि सभी पक्षों का विकास। तो हम वैदिक काल में देखेंगे तो शिक्षा का उद्देश्य क्या था, सर्वांगिक विकास करना है। लेकिन मध्यकाल में शिक्षा क्या हो गया, इसका अर्थ थोड़ा सा मतलब छोटा हो गया। यानी कि पुराने समय में क्या था, तो पुराने समय में शिक्षा की अगर हम बात करें तो वैदिक काल में शिक्षा का जो बात था वह था सर्वांगीण विकास करना, बच्चे के सभी पक्षों का विकास करना। लेकिन धीरे धीरे यह समय के साथ साथ क्या हुआ, बदलता गया। और हम बात करेंगे कि जो मध्यकाल का समय था तो मध्यकाल में इसका अर्थ जो है और थोड़ा सा छोटा हो गया, और यहाँ पे आप देखेंगे तो यह धर्म से जुड़ गया। शिक्षा जो है धर्म से जुड़ गया, कहाँ पे, तो मध्यकाल के अंदर। मध्यकाल के अंदर कहाँ से जुड़ गया, तो यह एक धर्म के साथ जुड़ गया, ठीक है। और यहाँ पे आधुनिक युग में बात करें तो इसका उद्देश्य क्या हो गया, फिर से बच्चे के सर्वांगीण विकास को बढ़ता जा रहा है। यानी कि बीच में कहेंगे तो डाउनफॉल यहाँ पे देखने को मिला था, यानी कि बीच में कमियां देखने को मिली थी, लेकिन फिर से मॉडर्न अगर युग की बात करें, आधुनिक युग की बात करें, तो फिर से आप देखेंगे तो इसका जो है उद्देश्य जुड़ा गया है बस बच्चे के सर्वांगीण विकास की ओर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से चीजों को समझते, तो वही चीजें बता रहे हैं कि शिक्षा है क्या। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि शिक्षा के बारे में जब आप लिखेंगे तो लिखेंगे कि अनेक विद्वानों ने शिक्षा की परिभाषा जो है अलग अलग प्रकार से दी है। जो अलग अलग जो विद्वान है उन्होंने शिक्षा की परिभाषा जो है अलग अलग प्रकार से दी है, यानी कि समय के साथ साथ शिक्षा की परिभाषा भी क्या बदलती रहती है। वैदिक काल में शिक्षा का अर्थ क्या होता था, सर्वांगीण विकास होता था। वैदिक काल की बात करें तो वहां पे बच्चे की जो शिक्षा का अधिकार होता था वह होता है बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, इस तरीके से शिक्षा दी जाती थी वैदिक काल में।
लेकिन वही धीरे धीरे जब मध्यकाल हुआ तो शिक्षा का अर्थ जो है थोड़ा सा और छोटा हो गया। और इसमें क्या हो गया, यहाँ पे मध्यकाल में देखेंगे तो इसका मतलब सर्वांगीण विकास नहीं बल्कि इसका मतलब धर्म से जुड़ गया, यानी कि मध्यकाल में देखेंगे तो शिक्षा जो है वह धर्म से जुड़ गया, लेकिन फिर से आधुनिक काल में देखेंगे तो फिर से शिक्षा क्या हो गया, सर्वांगीण विकास को बढ़ता जा रहा है। ठीक है, हम शिक्षा की बात करते हैं, जो मानव संसाधन है, जैसे मानव विकास है, उसका मूल साधन है शिक्षा। शिक्षा के द्वारा ही क्या होती है, शिक्षा के द्वारा क्या होती है, जो बच्चे की जन्मजात शक्ति होती है, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ शक्तियाँ होती है, लेकिन हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ शक्तियाँ होती है, और उन शक्तियों को कैसे बाहर निकाला जा सकता है, तो शिक्षा के माध्यम से। अगर नॉलेज नहीं होती है तो कोई भी अगर आपके अंदर जो चीजें हैं वो बाहर नहीं आ सकती है, तो बाहर कैसे आ सकती है, तो नॉलेज होगी, अगर आपको ज्ञान होगी यानी कि शिक्षा होगी बच्चे को, तभी तो वो चीजें बाहर आ सकती है। तो हम बात करेंगे कि शिक्षा मानव विकास का जो है मूल साधन के रूप में जाना जाता है, और आज बात करेंगे तो शिक्षा के द्वारा ही क्या होती है, मनुष्य की जो जन्मजात शक्तियां होती है, जो उसकी जन्म के समय की जो शक्तियां होती है, ठीक है, उसका विकास होता है, व्यक्ति के विकास में वृद्धि होती है, उसके व्यवहार में चेंजिंग होता है, यानी कि उसके बिहेवियर में बदलाव होता है, व्यक्ति को एक अच्छा नागरिक बनाया जाता है। ये सब कैसे, ये सब जो है शिक्षा के माध्यम से ही हो जाता है। ठीक है, अगर व्यक्ति जन्म के बाद क्या करता है, बच्चा कुछ बड़ा होता है तो उसको क्या होता है, शिक्षा के माध्यम से बैठने की, खाने पीने, सामाजिक, ये सब चीजें रीति रिवाज परंपरा सिखाई जाने लगती है। जब बच्चा 3 से 4 वर्ष तक होता है तो विद्यालय जाना शुरू कर देता है, विद्यालय में भी उसका उसकी जो शिक्षा होती है अलग तरीके से तय होती है। ठीक है, विद्यालय के साथ साथ उसके परिवार और समाज के भी कुछ ना कुछ उसको सिखाया जाता है, तो सीखने सिखाने का जो क्रम होता है वह विद्यालय और विद्यालय के बाद भी छोड़ने के बाद वह चलता रहता है। ठीक है, तो अगर अगर आपको शिक्षा के बारे में एक पेज लिखना होगा तो कुछ इस तरीके से लिखिएगा। ठीक है, लिखिएगा इस तरीके से कि अनेक विद्वानों ने, अच्छे से समझिएगा, माइंड में चीजें बताइएगा, यहाँ पे क्या लिखा है अभी आप इसको मत देखिए, हम जो चीजें आपको बता रहे हैं उस पे जाइए, ये तो है, बाद में आप लिख सकते हैं जो चीजें, अगर आपको समझ नहीं आए तो ये तो पीडीएफ आपके पास रहेगा, लेकिन हम जो कह रहे हैं वैसे लिखिएगा। शिक्षा के बारे में लिखिएगा कि शिक्षा की परिभाषा, माफ कीजिए, लिखिएगा अनेक विद्वानों ने शिक्षा की परिभाषा जो है अलग अलग प्रकार से दी है, समय के साथ साथ क्या होती है, शिक्षा की परिभाषा की भी क्या होती है, बदलती है। जैसे कि वैदिक युग में शिक्षा का मतलब होता था बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, बच्चे के सभी पक्षों का विकास करना, लेकिन धीरे धीरे मध्यकाल में इसमें मतलब शिक्षा का जो अर्थ था वो संकुचित हुआ और यह धर्म से जुड़ गया, सर्वांगीण विकास की जगह अब धर्म से जुड़ गया। लेकिन फिर से मध्यकाल, फिर से आधुनिक काल में शिक्षा जो है वह फिर से सर्वांगीण विकास का विषय बन गया है, और इसका जो अर्थ हो गया वह सभी पक्षों का विकास करना हो गया है। शिक्षा क्या होता है, तो शिक्षा मानव विकास का मूल साधन है, शिक्षा जो है वह मानव विकास का एक मूल साधन के रूप में है, जिसके द्वारा मनुष्य की जो जन्मजात शक्तियां हैं, हर व्यक्ति के अंदर कुछ जन्मजात शक्तियां होती है जो उसको जन्म से ही संबंधित होती है, तो जन्म के समय जो उसके अंदर जो शक्तियां होती है उसको बाहर निकालने का काम कौन करता है, तो शिक्षा ही करता है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से जो मनुष्य की जो जन्मजात शक्तियां होती है उसका विकास किया जा सकता है, मनुष्य के ज्ञान में वृद्धि किया जा सकता है, मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है, और मनुष्य को एक अच्छा नागरिक बनाया जा सकता है। ठीक है, और यह किसके माध्यम से संभव है, तो यह कहीं ना कहीं शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। जैसे आप देखते हैं कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसे कुछ भी नॉलेज नहीं होता है, लेकिन जब उसको शिक्षाएं दी जाती है घर में बच्चे के माता पिता के द्वारा या परिवार के किसी सदस्य के द्वारा, तो धीरे धीरे चीजों को सीखता है कि भाई कैसे चलना है, कैसे दौड़ना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे आचरण करना है समाज में, ये सभी चीजें जो है परिवार के द्वारा सिखाई जाती है। और जब बच्चा 3 से 4 वर्ष तक का होता है तो उसे विद्यालय भी भेज दिया जाता है, जहाँ पे विद्यालय के अंदर भी उसकी शिक्षा जो है एक सही तरीके से होती है, और उसके माध्यम से भी बच्चा कुछ ना कुछ चीजें सीखता है, तो समाज के माध्यम से सीखता है, स्कूल के माध्यम से सीखता है, ठीक है, परिवार के माध्यम से सीखता है बच्चा। तो इतनी चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हैं, उम्मीद है कि आप इतनी चीजें समझ गए होंगे, आप समझ गए होंगे ना। लेकिन इसमें देखिएगा, इसमें और चीजें कि शिक्षा है क्या है, महत्वपूर्ण सर्वव्यापी विषय है, यह मानव विकास का मूल साधन है, यदि किसी व्यक्ति को जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो उसके लिए शिक्षा आवश्यक है, शिक्षा ही क्या करती है, उसे सभ्य सुसंस्कृत और योग्य नागरिक बनाती है, यही कारण है कि प्राचीन काल से ही शिक्षा के महत्व को अनुभव किया गया है। शिक्षा एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक हमेशा चलती है, और यह व्यक्ति को एक फूल की भांति विकसित होने में सहायता करती है और अपनी सुगंध जो है वातावरण के चारों ओर फैलाती है। ये चीजें आप समझ गए होंगे, तो पहली बात मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या शिक्षा के बारे में हमने आपको जो बताया वो चीजें आप समझ गए कि नहीं समझे। मैं
अच्छे से समझ गए ना, वैसे ही लिखिएगा। यहाँ पे क्या लिखा है उस पर मत फोकस कीजिए, हम जो आपको बोले हैं उसको लिखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से इस टॉपिक को भी हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे आसानी के साथ। चलिए, यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि किसी को डाउट हुआ होगा। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब थोड़ा सा इसके डिफिनेशन को समझते हैं। डिफिनेशन की बात करें तो अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने अलग अलग प्रकार से इसका डिफिनेशन दिया है। जैसे लॉपनिक ने क्या है, लॉपनिक क्यों है, अब लॉपनिक जो है मनोवैज्ञानिक का नाम है, साइकोलॉजिस्ट है। उन्होंने कहा कि पौधे जो है कृषि से विकसित होते हैं। पौधे कहाँ से विकसित होते हैं, तो कृषि से, और मनुष्य जो होती है वो शिक्षा से विकसित होते हैं। जैसे इन्होंने कहा है कि पौधे जो विकसित होते हैं, बड़े होते हैं, वो कृषि से विकसित होते हैं, ठीक है, जबकि मनुष्य जो होता है वो शिक्षा से। तो किसने कहा है, लॉक ने कहा है, लॉक ने, किसने, लॉक ने कहा है, इनका नाम क्या था, लॉक, याद रखिएगा। फिर आगे शिक्षा के अर्थ को भी लिखेंगे। अब शिक्षा के अर्थ की अगर हम बात करें तो शिक्षा जो है सब संस्कृत के शिक्ष धातु से बना हुआ है। अगर हम बात करें तो शिक्षा जो है कहाँ से बना है, तो संस्कृत का एक शब्द है, संस्कृत का एक शब्द है जिसको शिक्ष धातु से बना हुआ है। शिक्षा कहाँ से बना हुआ है, तो शिक्षा शब्द की उत्पत्ति जो हुई है यह संस्कृत के एक शब्द है जो उसका शिक्ष धातु से बना हुआ है। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ ही होता है सीखना तथा सिखाना। हम कह सकते हैं कि शिक्षा का अर्थ ही क्या होता है, सीखना तथा सिखाना होता है। शिक्षा का अर्थ क्या होता है, सीखना तथा सिखाना होता है, यानी कि शिक्षा के अर्थ को अगर तोड़ेंगे तो यह संस्कृत के शिक्ष धातु से मिलकर बना हुआ है, इसका मतलब ही होता है सीखना अथवा सिखाना। लेकिन इसी को अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं, एडुकेशन बोलते हैं, एडुकेशन बोलते हैं। और एडुकेशनल शब्द जो है, एडुकेशन शब्द जो है वह लैटिन भाषा का शब्द है। एडुकेशन अंग्रेजी में एडुकेशन बोलते हैं, हिंदी में शिक्षा बोलते हैं, तो शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु से बना हुआ है जिसका मतलब ही होता है सीखना तथा सिखाना। अंग्रेजी में इसको एडुकेशन बोलते हैं, और एडुकेशन लैटिन शब्द का भाषा है, यानी क्या का एडुकेशन जो है यह लैटिन शब्द है जो एडुकेयर, एडुकेटम और एडुकेयर से बना हुआ है। और एडुकेटम भी जो है यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक ई और दूसरा डी को। ई का अर्थ क्या होता है, अंदर से। ई का मतलब क्या होता है, अंदर से। और डी को का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना, यानी कि डी को का मतलब होता है आगे बढ़ना। तो हम कह सकते हैं कि अंदर, ठीक है, अर्थात अंदर आगे की ओर बढ़ना ही शिक्षा कहलाता है, ठीक है, यानी कि आगे की ओर बढ़ना ही क्या कहलाता है, वो आपका शिक्षा कहलाता है। मनुष्य का आगे की ओर बढ़ना ही क्या कहलाता है, तो वह शिक्षा कहलाता है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एडुकेशन शब्द कहाँ से है, तो लैटिन भाषा से है, और इसमें ई तथा डी को दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। ई मतलब अंदर से और डी को मतलब आगे बढ़ना। अतः हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी शब्द एडुकेशन का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, बच्चे की आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करना। वही चीज है कि बच्चे के अंदर जो आंतरिक शक्तियां है उसको बाहर निकालना, यही शिक्षा का अर्थ कहलाता है। तो ये शिक्षा के अर्थ को भी जब आप डिफाइन करेंगे तो लिखेंगे कि शिक्षा शब्द जो है संस्कृत के शिक्षा धातु से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है सीखना अथवा सिखाना। शिक्षा को, शिक्षा शब्द अंग्रेजी में एडुकेशन शब्द का रूपांतर है, जबकि एडुकेशन शब्द जो है लैटिन भाषा का शब्द है जिसे एडुकेयर, एडुकेटम और एडुकेयर से बना हुआ है। एडुकेटम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ई और डी को। ई का मतलब होता है अंदर से, ई का मतलब होता है अंदर से, डी का मतलब होता है बाहर निकालना, यानी कि बच्चे की जो जनजात शक्तियां है उसको बाहर निकालना, यही शिक्षा कहलाता है, ठीक है। और यही से मनुष्य के संपूर्ण अंगों का विकास होता है। तो ये शिक्षा का आपका अर्थ हो गया। फिर शिक्षा की परिभाषा की बात करेंगे तो अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने शिक्षा की डिफिनेशन जो है अलग अलग प्रकार से दी है। जैसे कि फ्रोवेल, तो फ्रोवेल कहते हैं कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की अंतर शक्तियों को बाहर लाया जाता है। यानी वही चीज़ें कहा कि जो बच्चे के अंदर जो उसकी जनजात शक्तियां होती है उसको बाहर लाने का काम करता है तो शिक्षा कहता है। मनुष्य के पास एडुकेशन है तो एडुकेशन के माध्यम से ही उसकी जनजात शक्तियों को बाहर लाया जा सकता है, ठीक है। तो फ्रोवेल ने क्या कहा है कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की अंतर शक्तियों को बाहर लाया जाता है, यानी कि बालक के अंदर जो शक्तियां होती है उसको बाहर निकालने का काम कौन करता है, तो शिक्षा करता है। महात्मा गांधी जी ने कहा है कि शिक्षा से तत्पर बालक को मनुष्य के शरीर के मन व आत्मा के सर्वांगीण विकास, यानी इन्होंने कहा है कि शिक्षा का मतलब जो बालक है या मनुष्य है तो उसके शरीर और आत्मा के सभी पक्षों के विकास के बारे में बात की है इन्होंने शिक्षा के बारे में। इसने महात्मा गांधी जी ने कहा है कि जो व्यक्ति है या जो मनुष्य है उसके आत्मा का सर्वांगीण विकास हो, यही शिक्षा दर्शाता है, महात्मा गांधी जी ने कहा है, ठीक है।
अब बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, डिप्रेशन लिखने के लिए आप इसके अलावा बात करें तो और भी है बहुत सारे जो जो इसका डिफिनेशन दिया है, जैसे आप देख सकते हैं इसके अलावा और भी मनोवैज्ञानिक है जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर है, इसके अलावा प्लेटो है, अरस्तु है। अरस्तु का एक याद रखिएगा कि स्वस्थ शरीर में, अरस्तु ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, ठीक है, याद रखिएगा, याद रखिएगा, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, किसने कहा था, कि अरस्तु ने कहा है, यानी कि स्वस्थ शरीर में ही क्या होता है, स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, किसने कहा है, अरस्तु ने कहा है। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है कि सर्वोच्च शिक्षा वह है जो हमें केवल सूचनाएं नहीं देती बल्कि हमें जीवन और संपूर्ण सृष्टि से तदंबे स्थापित करती है। तो इतना आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है, एक दो डिफिनेशन लिख दीजिए काम आपका चलेगा, तो इतना बहुत ज्यादा लिखना नहीं है, आप एक ट्रोवेल का ही लिख दीजिए, नहीं याद है तो शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की अंतर शक्तियों को बाहर ले जाता, हो गया, आपको मैंने कहा था बस बात करता हूँ। आगे ये तो समझिए, आप शिक्षा के बारे में समझिए, इसके अर्थ के बारे में समझिए, अर्थ के बारे में इसकी परिभाषा को समझिए, अब हम आगे चलेंगे शिक्षा की प्रक्रिया को समझेंगे। शिक्षा की प्रक्रिया को समझेंगे लेकिन एक बार उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है ना, अगर दिक्कत होगा तो आप लोग बोलते चलिएगा। प्रोसेस होता है, ठीक है, तो हो सके अगर मिस टाइपिंग अगर हो गया होगा, कहाँ की बात करते हैं, यहाँ पे प्रोसेस होगा, अब इतना थोड़ा सा कॉमन सेंस आप भी लगा लीजिए ना, ठीक है, हो गया होगा टाइपिंग गलत, वैसा कोई बात नहीं, प्रोसेस होता है, प्रोसेस कभी होता है क्या, अगर हो गया तो नहीं कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो समझ ही सकते हैं, अब एक एक पॉइंट अब मिलाइएगा तो चीजें तो होती है, अब टाइपिंग करना है तो टाइपिंग होता है, कभी मिस्टेक हो जाता है, ठीक है, प्रोसेस ऑफ एजुकेशन होगा ना। अब हम बात करेंगे शिक्षा की प्रक्रिया के बारे में, मिस्टेक होती है, अब टाइपिंग तो दे दिया जाता है, देखिए होता क्या कि अब आप लोग की पहली बैच है जहाँ पे हम टाइपिंग करवा के आपको क्वेश्चन दिलवा रहे हैं, इतने अच्छे तरीके से हम समय में आपको दिलवा रहे हैं, आपके पहली बैचेस है, इससे पहले जो भी हम लोग देते थे वो अलग तरीके से नोट्स होता था, लेकिन आप लोग के लिए इस बार हर चीज हमने बदल दिया है, तो थोड़ा सा आप लोग भी मतलब मैनेज कीजिए, टाइपिंग होता है, आप ही को अगर टाइपिंग करने के लिए दिया जाए हो सके कुछ मिस्टेक हो जाता है, आप एक एक शब्द पढ़ के देखते भी नहीं है, वो चीज होता है कभी कभी, हाँ जहाँ लगे वहां कर दीजिएगा, हम सुधरवा देंगे, कोई बात नहीं। चलिए आगे शिक्षा की प्रक्रिया की बात करते हैं, अब शिक्षा की प्रोसेस यानी कि प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, जो प्रोसेस ऑफ एजुकेशन है वह क्या है, तो शिक्षा की अगर हम प्रक्रिया की बात करें तो देखिए कई मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने, अगर शिक्षा की प्रक्रिया की बात करेंगे तो अलग अलग मनोवैज्ञानिक आएंगे, अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट आएंगे अपना अपना ज्ञान देंगे, तो कुछ विद्वान हैं जिन्होंने कहा है कि शिक्षा क्या है, एक द्विमुखी प्रक्रिया, शिक्षा क्या है, एक द्विमुखी प्रक्रिया है, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, जबकि कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि नहीं शिक्षा एक क्या है, त्रिमुखी प्रक्रिया है, समझिएगा, कुछ वैज्ञानिकों ने कहा है कि शिक्षा क्या है, एक द्विमुखी प्रक्रिया है, यानी कि कहने का द्विमुखी प्रक्रिया कहने का मतलब इसमें दो ही तत्व इंपॉर्टेंट होते हैं, एक शिक्षक और दूसरा छात्र, यानी कि इन्होंने कहा है कि शिक्षा की प्रक्रिया को अगर सफल बनाना है तो दो लोगों की भूमिका होती है, अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि शिक्षा को अगर सफल बनानी है तो दो लोगों की भूमिका होती है, एक होता है शिक्षक और दूसरा होता है छात्र, दो लोगों की भूमिका होती है, और इन्होंने कहा है कि एक छोर पे क्या होता है, द्विध्रुवीय में, यानी कि द्विमुखी प्रक्रिया की बात करते हैं तो जहाँ पे दो तत्व तो होते हैं, एक होगा आपका टीचर और एक होगा आपका स्टूडेंट, अब इसमें क्या होगा, टीचर को भी एक्टिव होना चाहिए और स्टूडेंट को भी एक्टिव होना चाहिए, अगर मान लीजिए कि शिक्षक अगर एक्टिव है पढ़ाने के लिए तैयार है, अगर मान लीजिए कि विद्यार्थी छात्र अगर पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, उसकी रुचि नहीं है, तो क्या लर्निंग होगा, शिक्षा की प्रक्रिया संपन्न होगी, नहीं होगी, अगर मान लीजिए कि स्टूडेंट एक्टिव है और शिक्षक भी एक्टिव नहीं है पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है सही तरीके से, तो यहाँ पे भी लर्निंग की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, तो कुछ मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया है कि शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया माना है, जबकि कुछ मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा है कि शिक्षा जो है त्रिमुखी प्रक्रिया है, यानी कि यहाँ पे तीन तत्व इंपॉर्टेंट होते हैं, एक शिक्षक तो होता ही है, दूसरा छात्र होता ही है, लेकिन एक तीसरा तत्व भी होता है जिसको इन्होंने कहा कि वातावरण यानी कि इन्वायरमेंट होता है, तीसरे तत्व की जब बात इन्होंने कहा कि इसके अलावा एक इन्वायरमेंट भी होता है जो
जो इम्पोर्टेंट है। तो कुछ मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि नहीं, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, कुछ लोग कहते हैं कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, त्रिमुखी प्रक्रिया द्विमुखी प्रक्रिया में शिक्षक और छात्री रहेंगे, जबकि त्रिमुखी प्रक्रिया में शिक्षक भी होंगे, छात्र भी होंगे और साथ साथ उसका इन्वायरमेंट भी होगा, यानी कि वातावरण भी होगा। अगर मान लीजिए कि शिक्षक तैयार है, एक्टिव है पढ़ाने के लिए, छात्र भी एक्टिव है, इन्वायरमेंट नहीं है, तो क्या प्रक्रिया सही से होगी? नहीं होगी। अगर मान लीजिए कि इन्वायरमेंट अच्छा है, छात्र भी पढ़ने के लिए तैयार है, लेकिन शिक्षक नहीं है एक्टिव, तो वहाँ पे भी प्रक्रिया बाधित होगी। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे शिक्षक तैयार है, इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा है, लेकिन छात्र ही एक्टिव नहीं है, तो यहाँ पे भी प्रक्रिया बाधित होगी। यानी कि तीनों तत्वों की भूमिका होती है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि दो तत्वों की भूमिका होती है, शिक्षक और छात्र, बाकी कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, तीन तत्वों की भूमिका होती है, शिक्षक, छात्र और वातावरण, इसके साथ तीसरा भी भूमिका होता है। इसी प्रोसेस को, होल प्रोसेस को यहाँ पे लिखा गया है। अब लिखेंगे, लिखने के क्रम में लिखेंगे, ठीक है, कि कई विद्वानों ने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया माना है। ऐसे विद्वानों में एडम्स का नाम को लिखना है, यानी कि एडम्स जो है यह एक वैज्ञानिक है या मनोवैज्ञानिक है, और ये कहते हैं कि शिक्षा जो है द्विमुखी प्रक्रिया होती है। शिक्षा में दो ही तत्व इंपॉर्टेंट होता है, एक होता है शिक्षक और दूसरा होता है छात्र। एडम्स ने बताया था कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करके उसके व्यवहार को विकसित और प्रति देता है। शिक्षा का द्विमुखी प्रक्रिया मानने वालों का कहना है कि शिक्षा के एक छोर पे शिक्षक होते हैं और दूसरे छोर पे शिक्षार्थी रहते हैं। वही चीज हमने आपको कहा, शिक्षार्थी वही छात्रों को कहते हैं। एक छोर पे क्या होता है, शिक्षक होते हैं और दूसरे छोर पे शिक्षार्थी रहते हैं, छात्र रहते हैं। इस प्रक्रिया में शिक्षकों के व्यक्तित्व का प्रभाव शिक्षार्थी भी पड़ता है, यानी कि जो शिक्षक का व्यवहार होगा, जैसा टीचर करेगा, उसका प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ेगा। क्योंकि बच्चा क्या सीखता है, टीचर की बातों को ही सीखता है। टीचर जो कुछ भी करता है, बच्चा उसको सीखने का प्रयास करता है। तो जो शिक्षक होता है, उसी का व्यवहार जो है यहाँ पे बच्चा अपनाता है, ठीक है। तो होता है कि शिक्षा के एक छोर पे शिक्षक और दूसरे छोर पे शिक्षार्थी रहते हैं। इस प्रक्रिया में शिक्षकों के व्यक्तित्व का प्रभाव शिक्षार्थी पर पड़ता है और वह उसके जीवन को एक निश्चित दिशा प्रदान करता है। शिक्षक का प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है। अगर मान लीजिए शिक्षक का व्यवहार अच्छा है, शिक्षक अच्छे कैरेक्टर वाला व्यक्ति है, तो बच्चा भी अच्छा बनेगा। मान लीजिए शिक्षक अगर गंदी, मतलब अनुशासन को मेंटेन करता है, तो बच्चे भी गंदी अनुशासन को मेंटेन करेगा। मान लीजिए टीचर अगर नशा करता है, तो बच्चा भी उसी को फॉलो करेगा, ठीक है। तो इसमें शिक्षक के चरित्र भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं काफी, ठीक है। और इसी के अलावा हम बात करेंगे तो जॉन डीबी है, जो जॉन डीबी है, उन्होंने कहा कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे द्विमुखी प्रक्रिया के बारे में समझ गए थोड़ा सा। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है जी, बताइए। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो बताइए, एक बार मुझे कमेंट करके। चलिए अब आगे चलेंगे और आगे देखते हैं। इसमें शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया भी कहा गया। अब शिक्षा क्या है, एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। अब त्रिमुखी प्रक्रिया की बात किन्होंने कहा है, तो जॉन डीबी ने कहा है वही चीजें, यानी कि जॉन डीबी ने कहा है कि शिक्षा क्या है, एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, जहां पे टीचर भी होंगे, छात्र तो होगा ही, इसके साथ साथ एक दूसरा तत्व होता है जिसको एनवायरनमेंट बोलते हैं, वातावरण, जिसको पाठ्यक्रम भी कहते हैं, ठीक है। एक तीसरा तत्व होता है एनवायरनमेंट, यानी कि वातावरण। तो एडम्स ने कहा कि दो ही तत्व इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको द्विमुखी प्रक्रिया कहा गया शिक्षा को, लेकिन शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया कहा गया। इसने कहा तो जॉन डीवी साहब ने कहा, या इसलिए कहा क्योंकि एक छोर पे शिक्षक, दूसरे छोर पे छात्र और तीसरे छोर पे एक तीसरा तत्व जो एनवायरनमेंट होता है, यानी कि पाठ्यक्रम होता है, ठीक है, उसी चीज को पढ़ेंगे। तो समाज शास्त्र से संबंधित पक्ष पे जोर देने के कारण जॉन डीवी का नाम है, जॉन डीवी शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया न मान के त्रिमुखी प्रक्रिया मानते हैं। उनका कहना है कि शिक्षा में शिक्षक और छात्र के अतिरिक्त एक तीसरा तत्व भी है और वह है सामाजिक शक्तियां। सामाजिक वातावरण के माध्यम से शिक्षक और शिक्षार्थी को विशेष सामग्री देती है जिसे हम
पाठ्यक्रम कहते हैं। जॉन डीवी ने कहा कि बालक को समाज में समाज और उस समाज के लिए रखना है जिसका वह सदस्य है, अतः उसका विकास समाज में ही और समाज के द्वारा ही हो सकता है, ठीक है, जो समाज के द्वारा ही वह एक सामाजिक प्राणी बनता है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि समाज शास्त्र के पक्ष पे विशेष जोर देने के कारण जॉन डीवी का मानना है कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया नहीं है बल्कि वह त्रिमुखी प्रक्रिया है, यानी कि एडम्स ने जो शिक्षा की द्विमुखी प्रक्रिया बताया था, यहाँ पे जॉन डीवी ने कहा उसे मतलब गलत करार देते हुए कहा कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है जहाँ पे तीनों तत्व की भूमिका होती है। शिक्षक छात्र के अतिरिक्त एक तीसरा तत्व भी होता है जिसको पाठ्यक्रम बोलते हैं, ठीक है। तो जॉन डीवी ने कहा कि बालक को समाज में और उस समाज के लिए रखना है जिसका वह सदस्य है, अतः उसका विकास जो है समाज के द्वारा ही हो सकता है, क्योंकि समाज के द्वारा ही वह एक सामाजिक प्राणी बनता है। तो ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे इसके बारे में तो आप लिख सकते हैं शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया के बारे में, ठीक है। तो शिक्षा की द्विमुखी प्रक्रिया भी आप समझ गए होंगे और शिक्षा की आप त्रिमुखी प्रक्रिया भी आप समझ गए होंगे। अब इसमें हम अगले टॉपिक के ऊपर चलेंगे, ठीक है। अभी जो चीजें हम आपको बता रहे थे तो आप यहाँ पे समझ गए, शिक्षा के अर्थ को समझ गए हम लोग, इसकी परिभाषा को समझ गए, इसकी प्रक्रिया को समझ गए, ठीक है। इन सब चीजों को हम लोग समझ गए कि शिक्षा का अर्थ क्या होता है, इसको हम लोग समझ गए अच्छे से, इसकी परिभाषा को भी समझ गए, शिक्षा की प्रक्रिया क्या है इसको भी हम समझ गए। अब स्कूल की पढ़ाई यानी कि अनुदेशन प्रशिक्षण इसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। अब यह क्या है, यानी कि अब हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक, और अगला टॉपिक है शिक्षा के आवश्यक अंग। शिक्षा के आवश्यक अंग की बात करेंगे, वही चीजें आएगी आपका जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, अनुदेशन प्रशिक्षण, ठीक है। तो हम अगर शिक्षा के आवश्यक अंग की बात करते हैं तो शिक्षा के जो आवश्यक अंग है उसमें आ जाएगा आपका, एक आएगा आपका अनुदेशन, एक आएगा प्रशिक्षण और दूसरा अगला आएगा प्रतिपादन। अगर शिक्षा के आवश्यक अंग के ऊपर नजर डालें तो अमेरिका जो शिक्षाविद है उनका नाम है हैंडरसन, और ये कहते हैं कि शिक्षा के तीन आवश्यक अंग होते हैं। शिक्षा के जो आवश्यक अंग होते हैं वो कितने होते हैं, तो तीन आवश्यक अंग होते हैं। कौन कौन से? एक को बोलते हैं अनुदेशन यानी कि इंस्ट्रक्शन बोलते हैं, दूसरा हो गया प्रशिक्षण ट्रेनिंग, और तीसरा हो गया प्रतिपादन, यानी कि तीन आवश्यक तत्व बताया है किसने, तो हैंडरसन ने कहा कि शिक्षा के तीन आवश्यक तत्व होते हैं, एक होता है अनुदेशन, दूसरा होता है प्रशिक्षण, तीसरा होता है प्रतिपादन। अब तीनों को हम लोग एक एक करके आइए देखते हैं। सबसे पहले अनुदेशन के रूप में शिक्षा, शिक्षा जो होती है वो अनुदेशन के रूप में होगी, और वो अनुदेशन के रूप में शिक्षा कैसे होगा, पहले सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे कि भाई अनुदेशन के रूप में शिक्षा कैसे हो सकता है। तो देखेंगे अनुदेशन के रूप में शिक्षा, तो देखिए कक्षा के अंदर अध्यापक विषय को छात्र तक पहुंचाने के लिए जो क्रिया करता है उसे अनुदेशन कहता है, ठीक है। होता क्या है, जैसे आप क्लास के अंदर थे, आप लोग क्लास के अंदर थे और हम क्लास के अंदर आए, ठीक है। तो क्लास के अंदर जब इन किए तो कक्षा के अंदर आपको सिखाने के लिए हम जो भी क्रियाएं कर रहे हैं वो सभी एक अनुदेशन के रूप में आते हैं। मान लीजिए आप ऑफलाइन क्लास के अंदर, आप विद्यालय के अंदर हैं बैठे हुए, मान लीजिए यहाँ पे टीचर है, अगर टीचर आपके विद्यालय के अंदर आप पहले से बैठे हैं, जो चीज भी है आपको सिखाने के लिए, यानी कि आपको सिखाने के लिए जो कुछ भी एक्टिविटी करता है, जो कुछ भी क्रिया करता है टीचर, वह सभी के सभी अनुदेशन कहलाता है। तो कक्षा के अंदर अगर टीचर विषय को छात्र तक पहुंचाने के लिए जो क्रिया करता है, जो भी विषय पढ़ाना है, मान लीजिए वो उसे हिस्ट्री पढ़ना है, जियोग्राफी पढ़ना है, तो उसको पढ़ाने के लिए छात्र तक पहुंचाने के लिए जो क्रिया करता है पहुंचाने तक, उसी को हम अनुदेशन कहते हैं। अनुदेशन में क्या होता है कि किसी विशेष विषय सामग्री का ज्ञान योजनाबद्ध तथा क्रमबद्ध रूप से प्रदान किया जाता है। कोई भी टॉपिक है तो जो उसका ज्ञान होगा एक योजनाबद्ध तरीके से होगा, एक क्रम के रूप में होगा, एक क्रम के रूप होगा, भाई चलिए वन है इसके बाद दूसरा, जिसे एक क्रम के रूप में होना चाहिए, एक योजनाबद्ध तरीके से होता है। अनुदेशन शिक्षा के माध्यम से साधन के रूप में काम करती है, अनुदेशन जो है शिक्षा के साधन के रूप में काम करती है। अनुदेशन प्रक्रिया में अध्यापक का स्थान जो है प्रमुख होता है और विद्यार्थी का द्वितीय, यानी कि पहले स्थान पर अनुदेशन क्या होता है, शिक्षक पहले स्थान पर होता है जबकि दूसरे स्थान पर छात्र होता है। इससे छात्रों को क्या होती है, सीखने में सहायता मिलती है, ठीक है। लेकिन अनुदेशन के सभी छात्र जरूर नहीं कि जितने भी छात्र हो अनुदेशन के रूप में तो सभी को एक ही समान लाभ होगा, ये जरूरी नहीं है, किसी को ज्यादा भी लाभ हो सकता है, किसी को कम भी लाभ हो सकता है। बस इसको आसान शब्दों में समझने का प्रयास करिए। अनुदेशन क्या होता है, अनुदेशन के रूप में शिक्षा की बात करें तो
तो जब आप क्लासरूम में बैठे हो, समझिए आसान भाषा में, स्टूडेंट क्लासरूम के अंदर बैठा हुआ है, शिक्षक क्लास के अंदर अपने विषय की जानकारी पहुंचाने के लिए बच्चों के सामने जो भी क्रिया करता है, जिन चीजों का उदाहरण देकर बच्चों को समझाता है, ये सभी क्या कहलाते हैं, आपका अनुदेशन कहलाता है। और अनुदेशन जो होता है वह किसी विषय के बारे में एक योजनाबद्ध तरीके के ज्ञान के बारे में होता है। अगर हम कोई भी टॉपिक पढ़ाए हिस्ट्री, तो भाई उसके टॉपिक को एक क्रमबद्ध तरीके से बताया जाएगा। तो जहाँ पे अनुदेशन क्या होता है, क्रमबद्ध और योजनाबद्ध तरीके से उसको प्रदान किया जाता है। और अनुदेशन शिक्षा के माध्यम से क्या करते हैं, एक साधन के रूप में काम करती है। और इसमें अनुदेशन में देखेंगे तो शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। एक छोर पे शिक्षक होता है और दूसरे छोर पे छात्र होता है, तो शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और शिक्षक की भूमिका जो महत्वपूर्ण होती है, और द्वितीय स्थान जो होता है विद्यार्थी का होता है, और इसमें छात्र को क्या होती है, सहायता मिलती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि अनुदेशन के रूप में, इंस्ट्रक्शन के रूप में जो छात्र को लाभ मिले तो सभी छात्रों को एक ही समान यानी कि बराबर लाभ मिले, ये जरूरी नहीं। कोई छात्र को ज्यादा लाभ हो सकता है, कोई को कम हो सकता है, कोई कम सीखेगा, तो यह अनुदेशन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो एक बार हम आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या अनुदेशन के रूप में शिक्षा आपको समझ में आ गई, अगर आ गई हो तो एक बार मुझे कमेंट करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे हम लोग प्रशिक्षण के रूप में शिक्षा, प्रशिक्षण के रूप में शिक्षा देखेंगे, और फिर लास्ट हम लोग देखेंगे प्रतिपादन के रूप में शिक्षा। दो टॉपिक आपका इसमें दो पॉइंट है, इसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है, क्लियर। एक बार हम आपसे चाहेंगे कि आप लोग कमेंट कीजिए। जॉन डीवी का पूरा नाम ही जॉन डीवी था, उनका नाम ही तो जॉन डीवी की बात कर रहे हैं। चलिए बताइए, किसी को कोई दिक्कत क्या जी, किसी को कोई दिक्कत है, समझ आ रही ना? अनुदेशन के रूप में आप शिक्षा समझ गए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप अनुदेशन के रूप में शिक्षा को समझ गए होंगे। अब हम आगे चलेंगे और हम देखेंगे यहाँ पे प्रशिक्षण के रूप में शिक्षा, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे प्रतिपादन के रूप में शिक्षा, दो पॉइंट बाकी है, चलिए आइए दोनों को देखते हैं। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग प्रशिक्षण के रूप में शिक्षा, नाम से स्पष्ट है प्रशिक्षण। तो प्रशिक्षण क्या होता है, किसी कौशल में निपुणता प्रदान करना। प्रशिक्षण आप जब किसी ट्रेनिंग की बात करते हैं, ठीक है, आप भी अब बीएड में हैं तो आप भी एक तो प्रशिक्षण का काम ही करता है। तो प्रशिक्षण किसी कौशल में निपुणता प्रदान करना है। प्रशिक्षण से मतलब क्या है कि जो अधिकारी जो सीखने वाले हैं उसकी योग्यता उसकी कौशलों की पहचान करना और उसका विकास हो सके। यानी कि प्रशिक्षण का मतलब क्या होता है, आप किसी भी चीज के बारे में जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो उसकी कौशल उसके बारे में यानी कि जो उसकी कौशल होती है उसमें आप निपुण हो जाते हैं किसी चीज को। और जब जो सीखने वाले व्यक्ति होती है तो उसकी क्या कौशल है, स्किल क्या है उसकी, और वो कितना तक सीखा है, कैसे कैसे अभ्यास कर रहा है, ये सारी चीजें उसके प्रशिक्षण के रूप में शामिल होता है, ठीक है, ये प्रशिक्षण के रूप में होता है, समझिए। तो लिखना है कि प्रशिक्षण किसी कौशल में निपुणता प्रदान करना है। प्रशिक्षण से अभिप्राय क्या है कि जो अधिगम करता है जो सीखने वाले हैं उसकी योग्यता और उसकी जो कौशल है उसका पहचान और उसका पूर्णता से विकास हो। इसमें निरंतर अभ्यास शामिल होता है और अभ्यास ही कौशल को पूर्णता लाता है। इसमें क्या होता है, निरंतर अभ्यास होता है और अभ्यास क्या होता है, व्यक्ति के अंदर जो है पूर्णता जो है उसके कौशल को लाता है। मान लीजिए कि आपके पास कोई नॉलेज है, आपके पास कोई स्किल है, लेकिन आप उस स्किल का उपयोग नहीं करते, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते, अभ्यास में नहीं है, तो आपका वह कौशल जो है पूर्ण नहीं होता। तो प्रशिक्षण क्या होता है कि आपके अंदर जो स्किल है, ठीक है, उसको निपुण बनाने में मदद करता है। ट्रेनिंग करते हैं तो क्या होता है, आपकी चीजें जो है उसके बारे में और आपको नॉलेज होता है, आप उसमें निपुण होते हैं। वही प्रशिक्षण किसी कौशल में निपुणता को दर्शाता है। और प्रशिक्षण से मतलब क्या होता है कि जो सीखने वाले बच्चे हैं उनकी योग्यता उनकी कौशलों का पहचान हो सके और उसका विकास हुआ है कि नहीं इसका पता चल सके। इसमें बच्चे जो होते हैं अभ्यास के माध्यम से शामिल होते हैं, अभ्यास करते हैं, और उसके अभ्यास के कारण ही क्या होता है, उसके अंदर स्किल आता है और स्किल जब आ रहा है तो चीजें को सीखता है। तो प्रशिक्षण के रूप में शिक्षा इस प्रकार से, ठीक है, ये हो गई आपकी प्रशिक्षण के रूप में शिक्षा। अब चलिए लास्ट को देखते हैं, और लास्ट जो आपका है यह है प्रतिपादन के रूप में शिक्षा। अब प्रतिपादन क्या है, तो प्रतिपादन शब्द का उद्भव जो है डॉक्टर फ्रांस सबसे हुआ है, जिसका अर्थ क्या है, विचारधारा। और विचारधारा क्या है, इस प्रकार इसका अर्थ क्या होगा कि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा समूह का किसी एक विचारधारा में अंधविश्वास पैदा करना। देखिए होता क्या है, आप देखते ना कि आप समाज में भी देखेंगे तो कुछ व्यक्ति है जो किसी एक धर्म के या एक व्यक्ति के अंदर अंधविश्वास को पैदा कर देंगे, है ना भाई, कि ये चीज नहीं, अंधविश्वास उसके अंदर। तो
प्रतिपादन के रूप में अगर शिक्षा की बात करें तो जहाँ पे कह सकते हैं कि एक व्यक्ति हो गया या व्यक्ति का कोई एक समूह जो हो गया, एक पक्ष हो गया जो दूसरे पक्षों के सामने क्या करेगा, एक अंधविश्वास फैलाने का काम करता है। बस तो प्रतिपादन शब्द का उद्भव जो है डॉक्ट्राइन शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, विचारधारा होता है। और इस प्रकार इसका अर्थ क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति या वस्तुओं के द्वारा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा हुआ समूह का किसी एक विचारधारा में अंधविश्वास पैदा करना। मान लीजिए हिंदू धर्म है तो हिंदू है तो मुस्लिम के अंदर मतलब एक क्या होता है कि एक अंधविश्वास पैदा करना है मुस्लिम है तो हिंदू के प्रति, मतलब ऐसे। तो कोई भी इसमें एक समूह हो सकता है व्यक्तियों का या कोई व्यक्ति हो सकता है, ठीक है, पूरे धर्मों की बात नहीं आ रही है। तो प्रतिपादन शब्द जो उद्भव हुआ है या डॉक्ट्राइन शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, विचारधारा होता है। इसका मतलब हुआ कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा या व्यक्तियों के समूह के द्वारा किसी एक विचारधारा में अंधविश्वास को लाना, अंधविश्वास को पैदा करना, यही प्रतिपादन के रूप में शिक्षा कहलाता है। इसका उद्देश्य विश्वासों विचारों तथा बालक की चिंतन शक्तियों में परिवर्तन लाना है, ठीक है। इसे फ्रैंक वासिंग प्रक्रिया भी कहते हैं। इसमें कड़ा अनुशासन जिसे आज्ञाकारिता शामिल होती है और यह ज्ञानात्मक बहुत कम स्पष्ट करता है, क्योंकि इसका मुख्य कार्य क्या होता है, व्यक्ति के क्रियात्मक और संवेदनशील भाग होता है। यानी कि आप समझिए आसान भाषा में कि प्रतिपादन का मतलब क्या होता है, या एक परिवर्तन जो प्रतिपादन है इसका मतलब होता है विचारधारा। और विचारधारा का मतलब क्या है, तो कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के द्वारा किसी दूसरे समूह के में अंधविश्वास को पैदा करना ही क्या कहलाता है, प्रतिपादन के रूप में शिक्षा कहलाता है। अब मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ से आपका टॉपिक जो है वो तो हमने करवा दिया, अब आपको समझ में भी आ गया होगा। तो आज अभी जो आपने टॉपिक पढ़ा इसमें कौन कौन सा पढ़ लिया, आप शिक्षा के अर्थ को समझ लिए, इसकी परिभाषा को देख लिए, इसकी प्रक्रिया को देख लिए, स्कूल की पढ़ाई या देख लिए, अनुदेशन के रूप में शिक्षा, प्रशिक्षण के रूप में शिक्षा और प्रतिवेदन के रूप में शिक्षा, इन चीज़ों को आपने देख लिया, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ें आपकी कंप्लीट हो गई। थोड़ा सा हम लॉन्ग क्वेश्चन लेके चले हैं और इसी के माध्यम से आपका पहला जो इसका यूनिट का जो था ये पहला सीरीज आपका खत्म हो गया। फिर कल जब हम क्लास लेंगे तो कल आपको हम पढ़ाएंगे शिक्षा के माध्यम के बारे में, इसके रूप के बारे में, जैसे औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा यानी कि निरौपचारिक, यानी कि फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, इन सबके ऊपर हम लोग कल चर्चा करेंगे, ठीक है। और फिर इसके अलावा 2-3 क्लासेस इसमें लगेगा, ठीक है, 2-3 क्लासेस के अंदर इसको भी हम खत्म कर लेंगे। तो कोशिश रहेगी कि 4-5 क्लास के अंदर आपका यूनिट 1 हम खत्म कर दें, क्योंकि यूनिट 1 जो है आपका थोड़ा सा छोटा टॉपिक है। यहाँ पे देखिएगा यूनिट 1 में आपको कम पढ़ना है और यूनिट 1 के अंदर आपको कम पढ़ना है, तो हम 4-5 क्लासेस के अंदर हम कोशिश करेंगे कि आपका यूनिट 1 जो है कम्प्लीट कर दें। तो एक क्लासेस आपकी हो गई है यहाँ पे और इसके अंदर हम इसको कम्प्लीट कर लेंगे, ठीक है। अब इसको हम आगे देखेंगे कल की क्लास के माध्यम से शिक्षा के औपचारिक और अनौपचारिक और निरौपचारिक तो बात करेंगे, ठीक है। जो लोग भी क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं, अगर आज की क्लास से ज्वाइन कर रहे हैं तो आप प्ले स्टोर से क्या कीजिए, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और एप्लीकेशन का नाम है टेक स्टडी, इसको डाउनलोड कर लीजिए और आपकी बीएड फर्स्ट ईयर की जो कोर्सेज है उसको बाय कर लीजिए। बीएड फर्स्ट ईयर के कोर्सेज पे बाय करेंगे तो वहाँ पे अभी ऑफर्स चल रहा है और आपको मात्र 499 के अंदर आपको वो बैचेस जो है मिल जाएगी और वो बैचेज आप यहाँ पे ले सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आती है तो हम यहाँ पे नंबर आपको देते हैं 9572 करके और 87903, इस पर आप जो है व्हाट्सअप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। अब किसी के मन में कोई डाउट है तो एक बार मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है, जो कुछ भी पूछना है आप लोग पूछ सकते हैं। और हम चाहेंगे कि यहाँ पे एक बार आप कमेंट करके बताएं कि आपको अच्छे से शिक्षा के बारे में, उसके अर्थ के बारे में, उसकी प्रक्रिया के बारे में, अनुदेशन के रूप में शिक्षा और प्रशिक्षण के रूप में शिक्षा, ये सारी चीज़ें जो है आपको एक बार में समझ में आ गई होगी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगी, मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है। और अब आपका काम क्या होगा, इसका रिविजन करना, अच्छे से रिविजन करना। पीडीएफ तो आपको मिल ही जाता है, पीडीएफ के माध्यम से भी आप इसका रिविजन कर सकते हैं। आप बताइए किसी को कोई दिक्कत भाई जी। चलिए, जो लोग अभी ज्वाइन किए होंगे वो अपना नुकसान करेंगे। अब देखिए इसी क्लास को हम यहाँ पे आप लोग से बातचीत नहीं किया है, अगर इसी क्लास को हम चाहते तो 1.5 घंटे की क्लास भी बना सकते थे, क्योंकि बीच में एक पॉइंट लेते 2-3 मिनट आपसे हम बात करते, 4-5 मिनट बात करते, ये क्लासेस 1.5 घंटे की हो जाती, 1.5-2 घंटे की हो जाती। तो हमें ये दर्शाना नहीं है कि हम 1.5 घंटे की क्लासेस ले रहे हैं या 2 घंटे की, हम एक टॉपिक लेके आते हैं, हमारा मकसद टॉपिक है, हमारा टॉपिक कंटिन्यू जितना था। अब देखिए जितने देर क्लास में आते हैं हम कंटिन्यू बोलते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि हम बीच में रोकते हैं, कंटिन्यू बोलते हैं, इसलिए कम समय में आपका टॉपिक जो है कम्प्लीट हो जाता है। अब ऐसा मत है, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग को जो है सिर्फ कैन से मतलब है कि सर 1.5 घंटे पढ़े गए। देखिए आपका टॉपिक हम लेके आए थे, जो हमारा टॉपिक था वो टॉपिक हम करवा दिए, यह टॉपिक हमारा अगर 2 घंटे के अंदर होता तो 2 घंटे करवाते, आधे घंटे में हो जाएगा जो टॉपिक। अब ऐसा नहीं है कि इसको भी हम आज ही करवा दें, ज़्यादा करवा देंगे तो फिर आपके
दिमाग के ऊपर से निकल जाएगा, तो उतना ही लीजिए जितना आप बर्दाश्त कर सके। ऐसा नहीं कि ज्यादा जरूरत से ज्यादा खा लीजिएगा तो फिर नुकसान किसको होगा, आप ही को होगा। ठीक है, तो यूनिट वन में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना आपको, फिर भी है चीजें पढ़ना इसमें, तो इन सब चीजों को हम लोग खत्म कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि 5 क्लासेस में इसको हम कंप्लीट करें। और मे भी हमारा यह उम्मीद होगा कि छठ पूजा से पहले, छठ पूजा तक हम यूनिट वन की अपर कंप्लीट कर लें, और छठ पूजा के बाद जब हम क्लासेस आपके ओपन करेंगे तो वहां पे हम कोशिश करेंगे कि आपके सेकेंड यूनिट स्टार्ट करें। अभी भी आपकी दीपावली में तो समय है ना, अभी आपका 29, 30, 31 को दीपावली है, 2 दिन तो क्लासेस हम लोग करेंगे कल और परसों, तो दो दो क्लासेस इधर होगी, फिर छठ दीपावली के बाद भी 2-3 दिन क्लासेस करेंगे, तो यूनिट वन हम लोग आसानी के साथ इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है सर, कोहल और वाला पीडीएफ इंग्लिश में है, हिंदी वाला सेंड की। अच्छा चलिए हम अपलोड कर देते हैं, मे भी हो गया होगा तो हम, अगर इंग्लिश में हो गया तो हिंदी में भी अपलोड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है चलिए जी, कोई बात नहीं है, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, और क्लास अच्छा लगा हो तो आप लोग तो दोस्तों को भी बता सकते हैं, क्योंकि देखिए बहुत मेहनत करते हैं, आपकी क्लास लेने से पहले हमें भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब इस बार तो आपने पीडीएफ का नया तरीका भी बना दिया है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है। ठीक है, तो अब क्लासेस आपकी फिर कल मिलेंगे हम लोग क्लासेस के अंदर 9 बजे, अब डेली क्लासेस होती है तो आप कल 9 बजे ज्वाइन कीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मुलाकात होगी कल 9 बजे। थैंक यू, गुड नाइट।